जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दुर्गेश सिंह नदुलरवा और आप देखत हो आपके अपन YouTube चैनल माया के बोली भाका के विशेष कार्यक्रम हमर भाका हमर कलाकार। संगवारी हो, हमारे चैनल के साथ ये दूसर बार इतिहास जुड़े पर जाते हैं जब मैं नाचा के मंच ले जुड़े कलाकार संग आप भेंट कराए जाता हूँ। ऐसा कलाकार जिन नाचा में माई लोगन के अभिनय करते और नाचा के सबले बड़े विशेषता है कि एमा पुरुष पात्र माई लोगन के अभिनय करते और आप जानते हो कि मैं नाचा से लेके छालीवुड के जुड़े कलाकार मल्ला ये कार्यक्रम के माध्यम से आपला भेंट कराता हूँ। आज ही क्रम में मैं आया हूँ धमतरी जिला और धमतरी जिला के एक ऐसा कलाकार संगी से आपला भेंट कराए बढ़ जाता हूँ जिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा ले जुड़े हैं और जुड़ के वो मंची प्रस्तुति ले अपन कलाकारी ला प्रस्तुति करते। तो आओ गुड बात करते हैं आज के हमारे पहुना कलाकार श्री चंद्रहास देवांगन जी के साथ। आपके हमारे कार्यक्रम हमर भाका हमर कलाकार मा अंतर से स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आप अपन बारे में बताते हो कि आप कहाँ रही था और अपना कलाकारी के शौक का बचपन ले रही से कहाँ ले सीखे आप ये कलाकारी? मुला कलाकारी के बचपन से शौक रही से जहाँ भी कोई जगह कार्यक्रम हो तो देखे पर दौड़ के चले जाऊँ और मुला बचपन से होकर शौक रही से तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़त गई हूँ तो गांव में फिर रामायण पार्टी चलत रही से होकर माध्यम से मैं थोड़े से संगीत में लगाव रखे हूँ और संगीत में लगाव रखे के बाद में मैं पहले तबला बजाए बर सीखे हूँ। तबला बजात बजात में फिर हमारे पेटी मास्टर महोदय गायन सीखाई तो उकर से मैं गाना गाए बढ़ते कुछ सीखे। आपके रहना कहाँ होते उकर बारे में बताते हमारे दर्शक मल्ला? मोर रहना होते ग्राम कोकड़ी थाना पुरु जिला धमतरी। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ नाचा के तो छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य नाचा के आने राज्य ले अलग विशेषता है। यहाँ के नाचा के पहचान सबले बड़का पहचाने हैं कि यहाँ पुरुष पात्र के पुरुष पात्र मन है माई लोगन के अभिनय करते तो कतका मुश्किल है नाचा में माई लोगन के अभिनय करना? मुश्किल तो बहुत है लेकिन शौक जैसे हवे ना ओकर वजह से हम ये सब करथन और संगीत के पीछे हमारे मन के लगाव है वही वजह से हम ये कामला करथन और आत्मी रूप से कामला करते समर्पण भाव के साथ पूरा आत्मसमर्पण पूरा समर्पण करके हम ये कामला करथन। जैसे कि अभी आप गोड बात में बतात रहे हो कि आप वादन भी करत रहे हो गायन भी करत रहे हो तक आप लोक मंच से घर जुड़े रहे हो? हाँ लोक मंच से जुड़े रहो मैं मतलब लोक कला मंच जो चलात रहे हूँ तो 2005 में वाला बंद करे ना मन हमारे के जो कलाकार भाई मन रही से उमर सब अलग अलग काम से लगे रही से तो वो मन सगला नहीं पाते रहे सब एकत्रित नहीं हो पाते रहे ओकर वजह से हमार मन लोक कला मंच छोड़ना पड़े। बात कर रहा हूँ लोक कला मंच के तो वहाँ आप का भूमिका करते हैं? वहाँ मैं डांस ही करते रहूँ ग्रुप डांस एकल डांस में मतलब पूरा चलाते रहूँ। एक लोक कला मंच और नाचा के मंच दोनों में कतका अंतर है काम करना? एमा बहुत अंतर है ओमा में जैसे कि लड़का किरदार में रहते रहूँ लोक कला मंच में और नाचा में मैं लड़की किरदार निभाता हूँ। आप लोक कला मंच ले भी जुड़े हो और माँ आप अपन स्वभाव के अनुरूप अभिनय करते रहे लेकिन नाचा में आप स्वभाव के विपरीत माई लोगन के अभिनय करते हो। छत्तीसगढ़ के नाचा के सबले बड़े विशेषता है जेकर बिना नाचा के कल्पना कर पाना मुश्किल है। नाचा की कल्पना ही करे जा सके बिना डांसर परी के तो कतका मुश्किल होते एक बारे में बताते हैं। माँ जैसे कि लड़का लाना लड़की बनना है तो माँ बहुत तकलीफ होते जैसे कि हम सांवला हन कोनो हा कोनो गोरा हन तो हमला एक झाल में ढलना है जैसे गोरा बनना है मेकअप करना है ना तो माँ बहुत समय लेते हैं हम बहुत तकलीफ होते माँ कि लड़की के सवांगा करे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होते फिर भी से हम है ना ये माँ जैसे कि घंटा पौन घंटा तक के हम मेकअप करके वाला मेंटेन करते हैं समय एक घंटा सवा घंटा तक एक घंटा तो न्यूनतम लग जाते एक घंटा तक के हम मेकअप वेकअप करते ना वो माँ फिर लड़की के सवांगा माते हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके नाचा से जुड़ाव के तो सबले पहले आप कौन से पार्टी में नाचा के प्रस्तुति ले जुड़े और अभी कौन से पार्टी में चलते?
सबले पहले तो मैं लोरिक चंदा चंदनी पार्टी में किरदार निभाया हूँ। ये कहाँ के संस्था है? यह ग्राम डाही से है, अपन गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर में है। वहाँ मोर मामा जी है जो है लोरिक के पाठ करत रही से, तो मामा जी मोर माँ मोला कुछ प्रोत्साहन करीस कि भाचा मोरसन में आवे कि माँ के ऐसे पाठ करते मिलत नहीं है मोला आदमी ऐसे करके, तो फिर ओकरे माध्यम से मैं हाँ चंदनी नाचा में गया। सबले पहले चंदनी नाचा में जात जात में मैं हाँ मंजलोर गांव से एक जन बसंत नाम के रही से है अभी, वो मोला तेंदुआ पार्टी में जोड़ी नाचा सरगम नाच पार्टी तेंदुआ में जोड़ी सोहा। तो फिर वहाँ से मैं हाँ 4-5 साल ओकर मन समय कार्यक्रम में वहाँ से छोड़े के बाद में फिर दूसरा पार्टी पकड़े रहूँ, फिर वो पार्टी छोड़े के बाद में अभी मैं हाँ हार चरोद वाला नाच पार्टी में जाता हूँ आरंग के पास। कैसे लगते जब आप नाचक के मंच पर प्रस्तुति देते हो, दर्शक मन हाँ आपके कलाकारी ला स्वीकार करते और ताली साथ आपका सम्मान देते थे? बहुत अच्छे लगते उतना समय तो बहुत अच्छे लगते भाई। जहाँ तक मैं बात करूँ आप नाचा के मंच में माई लोगन के अभिनय ला करते हो और ये हमारे नाचा के जो इतिहास है वो बहुत बड़का इतिहास है जिन ला वैश्विक विश्व धरोहर में घलो गिने जाते हैं और जिन नाचा ला आज हमन देखा था उकर साथ एक बड़का नाम है दाऊ मदन मंदरा जी, ये नाचा ला संगठित रूप दे रही से वो नाचा संस्कृति ला आप सहेज के रखे उकर साथ आप जुड़े हो, लेकिन पूछे कैसे दर्शक है कुछ ऐसे संगवारी मन है जिन मन हर नाचा के मंच ले जुड़े परी और डांसर के अभिनय ला करिया संगी मन के बारे में अभद्र टिप्पणी करते गलत सोचते, तो वो संगी मन ला आप का कहना चाहते हैं? वो मन हाँ खुद तो कर नहीं सके और जेन करा थे तेला गलत निगाह से देखते तो बहुत बुरा लगते उतना फिर तो। फिर हमन जो है ते अपन धरोहर के बोले जाए तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के मान ला रखे बर हमन हाँ अपन आप ला समर्पण कर दे पूरा, तो एमा वो गलत व्यवहार से देखते जेन आदमी मन हाँ ओकर बर तो कानून लागू होना चाहिए, जेन हाँ हमन करत हन ओला वमन हाँ गलत नजरिया से देखते खुद तो कर नहीं सके, तो एक बार एक शासन भी में कुछ नियम बनाना चाहिए कि ये सब लोगन जो गलत नजरिया से देखते ओला कुछ न कुछ तो प्रताड़ित करे दंडित करे जेकर ले आगे हाँ, जेकर ले आगे समस्या से जूझे मत। हाँ 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 जेकर से हमला और जो नया कलाकार उभरना चाहते ओमन हाँ वही सब बात ला सुन के पीछे घुस देते आसानी से, तब फिर नवा कलाकार नवाकार क्षेत्र में प्रेरित हो ही ओमा फिर ये नया कलाकार मन हाँ ये क्षेत्र में जुड़ ही तो और हमारे जो धरोहर है तेहा आगे बढ़ते जाहे एक विस्तार ले। हाँ विस्तार ले जिन अभिनय ला आप करते वो अभिनय ला फूफू के रोल में हमारे कांकेर जिला के रविया जिन इंजीनियरिंग के घरों पढ़ाई करे हैं श्री अनिल सिन्हा जी हाँ यूट्यूब में छोटे छोटे नाटक के माध्यम ले छोटे छोटे संवाद के माध्यम ले ये अभिनय ला करते हैं, तो जिन हमारे पढ़े लिखे संगी जब ला कर सकते तो हम काबर नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव है जिन ला विश्व धरोहर में घरों शामिल करे गए हैं, तो वो संस्कृति से आप जुड़े हैं बड़ सुगर आप ला वाकई में आत्मिक खुशी हुआ तो ही। हाँ मोला तो बहुत खुशी मिलते है और मैं कुछ भी काम रहते ना ओला छोड़ के पहले से निकल जाता हूँ मैं कि समय से पहले पहुँच जाऊँ गाँव उतना दूरिया कहीं भी जात हैं तो गाँव देखे वो खुशी हो महसूस होते बहुत खुशी महसूस होते है। आप अभी पाछो गुड़ बात ना बताया कि आप लोरी चंदा से भी जुड़े हैं? हाँ जुड़े रहे। तो ओमे के कोई एक आते से गीत हमारे दर्शक मन लगा सुना था? इमा गीत तो हमन वही कथा है कथा चला हमन हाँ गीत बनान तो दर्शक मन ला एक ठो के मैं हाँ सुना देता हूँ। जय महामाई मोरे मोबाके सारा नित यखरा के गुरु बैताल 64 जोगनी मोर पुरखा के रागी नित भुजा मरे बे सहार। बहुत सुघर आप छत्तीसगढ़ के
जिन लोग गाथा है ओकरो संग जुड़े रहो आप। मैं बात करो नाचा के, ता नाचा के एक चीज और देखे जाते हैं नाचा मा कि जैसन के मन हा फिल्म मा अभिनय करे करिया अभिनेता माला दिखता तो मन हा उकर मन बा एक लिखित पटकथा और कहानी रहते ओला मन हा पढ़ के याद करके अभिनय ला करते। लेकिन नाचा मैसे देखे जाते कि मा कोनो लिखित पटकथा और स्क्रिप्ट नहीं रहा, रिहर्सल के माध्यम से नाचा के कलाकार मन हर मौखिक रूप में रिहर्सल करके मंच में प्रस्तुति देते। तो नाचा के वो रिहर्सल के बारे में बताते हमारे दर्शक संगी मन तुम्हें कहा है हमन जैसे साल में ना कार्यक्रम के शुरुआत होना रहते तो हमन है बारिश के महीना जब लगते हमारे कार्यक्रम जैसे कि गणेश पक्ष से चालू हो जाते तो हमन है सावन महीना में रिहर्सल करे के चालू करते तो हमन है दो बार तीन बार बस रिहर्सल करते साल में। फिर रिहर्सल करके हमन वही पात्र ला स्टेज में दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाचा के मंच में आपके अभिनय के तो कौन से पात्र है जेला आप ला करे से ज्यादा आनंद आते ज्यादा खुशी मिलते हैं? मोला कहता मैं जब हीरोइन के पार्ट करता हूँ नाचा में मोर हीरोइन के किरदार निभाता हूँ मैं पूरा तो ओमा मोर जो रोधन के पार्ट आते रोधन जैसे कि मार पीट करना रोना है वही जगह के किरदार जो जब मोला मार थे घर से निकाल थे मोर जो बॉयफ्रेंड रहते थे या ओकर बाद में मोर बाबूजी जो रहते थे वो सब मोला निकाल थे घर से तो वो जगह जब मार थे और रोधन जब मोरा थे तो वही समय के जगह में मोला बहुत अच्छा लगता। और नाचा के मंच में एक चीज़ देखे हूँ कि माई लोगन मन हाँ उसका समय हम ज़्यादा पसंद करते नाचा। हाँ वो तो सही बात है कावर की वही किरदार जो है निभाना है तो वही किरदार निभाए वरना वही जगह जब रोधन के पाठ आते तो आदमी जैसे जनता बैठे दर्शक बैठे है ओला हम चुपके से नजरिया से देखथन कि कौन आदमी के आँख से आंसू निकले थे कौन आदमी आँख से आंसू नहीं निकले थे तो ओकर से हम लोग महसूस होते कि जनता देखथन कितना जन रोवत है तो ओमा हम लोग बड़ा खुशी होते कि हम अच्छा से किरदार निभाए कोशिश करें अच्छा से निभाए हैं तभी जनता के आँख से आंसू गिरा थे। आप नाचा के मंच ले जुड़े हैं और नाचा के शुरुआत और कोनो भी कारज के शुरुआत हो चाहे वो कलाकारी हो या आने क्षेत्र हो कोनो भी कारज के शुरुआत में हमार इष्ट देवी के भगवान के आराधना करते हैं तो नाचा के मंच में भी होते तो वो नाचा के जिन शुरुआती प्रस्तुति है जे माँ आप मन स्तुति करते हो तो एक आध गीत हमारे दर्शक माला सुनाते हो। नाचा के शुरुआती के गीत ला तो खैर मैं नहीं गाऊँ ओमा मोर जो मुखिया है मोर नाचा पार्टी के मुखिया वो गाते वो गाना ला लेकिन थोड़ा बहुत वो गाना ला उठा लेते हो। हमन हा सबले पहले सुमरनी करते ना तो ओमा ये गाना गाते चलो गा के बता। बिल्कुल स्वागत। मोर धरती मोर भारत माए हो मोर धरती मोर भारत माए एकर चरण पखरौगा देवता मनला न्योता न्योत के सरगले भुइया में नानौगा देवता मनला न्योता न्योत के सरगले भुइया में नानौगा। यही गाना ला हमन हा गा के शुरुआत करथन। बहुत सुघर ढंग ले भाव है गीत मा ये गीत ले हम समझ सकथन कि नाचा के प्रस्तुति मा कतका बड़े उद्देश्यपूर्ण हमार दर्शक मन संदेश दे के एक प्रयास रथे। छत्तीसगढ़ ही भाखा में जतका मिठास है वतका ही छत्तीसगढ़ के लोकगीत में घलो मिठास है। अब एक प्रमाण यह है कि जिन हमार भाखा ला नहीं समझे जिन हमार भाखा ला नहीं उड़क पाए जिन छत्तीसगढ़ी साहित्य होकर शब्द ला नहीं जाने वह मन हमार छत्तीसगढ़ी गाना ला सुन के कहीं ना कहीं झूम उठते होकर पाँव में थिरकन पैदा होते हैं। ये प्रभाव दिखते हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा में। तब आप जैसे बात करते हो कि आप ला नाचा के मंच में करलई वाले रुदन वाले दृश्य के प्रस्तुति करना अभिनय करना आप ला ज़्यादा पसंद है तो वो समय के कोनो गीत हमारा दर्शक मन संग साझा करना चाह। ओमा में हाँ तो दो ठो गाना चलते मोर रोधन में तो सबले पहले मोला जो मोर बॉयफ्रेंड बने रहते
मतलब जे लड़का से मैं नायक रहते ओकर से मैं जब प्यार करता हूं तो वो मोड़ छोड़ देते ना, तो उतना समय ओकर से मैं हाथ पांव जोड़ के विनती करता हूं, गाना गाता हूं। तो वो जगह में मैं हां मोर जो नायक है ओला मैं हां बोलता हूं कि गीत गा के ही बता देता हूं है ना। मारे बरी है मारी ले राजा, मारे बरी है मारी ले राजा, औ तेल गारी जिंदगी भर ने छोड़ा मैं तोला, प्रेम हो गे भारी जिंदगी भर ने छोड़ा मैं तोला, प्रेम हो गे भारी। इला मैं हाँ नायक कर गाता हूँ, फिर वो नायक कर से मैं हाँ अपन घर चल देता हूँ। तो घर में जाए के बाद सब बात ला मैं हाँ बाबूजी ला बताता हूँ, जो मोर बाबूजी में रहते ओला बताता हूँ। तो फिर वो हाँ ते बहुत बड़ी गलती करी ऐसी ये होगी वो होगी करके वो घर से निकाल देते। तब वो जगह में हाँ बाबूजी ला बोलता हूँ कि बाबूजी मोर घर से निकालत रहते, तो मैं बाबूजी ला बोलता हूँ कि मोर से गलती हो गई बाबू मोर माफ़ कर दे। वही ला मैं हाँ गाना के रूप में ढाल दे हूँ पूरा, मोर से गलती हो गे बाबू मोला माफी देवेगा, तोरे एक झन लइका हो बाबू काबर घर ले निकाला थसगा। ये मैं हाँ बाबूजी का ना रोधन में रो रो के कलप कलप के बताता हूँ ये सब बात ला वो बोलता हूँ, गीत लगाता हूँ गीत के माध्यम से वो कॉमिक ला आगे बढ़ाता हूँ। हाँ आगे बढ़ाता हूँ। अब उकर बाद फिर उसे मोर बाबूजी जो रहते वो माने भी नहीं करे बात ला, तब फिर मैं हाँ कहीं जाके मरहूँ वरहूँ। और मोर घर में गाँव घर नहीं है, खार में खेत नहीं है, उन हिसाब से कर देते पूरा। तो मैं हाँ वो जगह फिर एक छोर गाना गात निकलता हूँ, जैसे कि वो अभी के दुकालू यादव भैया के गाना है हमर जस सम्राट। हाँ जस सम्राट के वही कर गाना लेख गात निकलता हूँ, बना के क्यों बिगाड़ा रे वाला भी गाना लगा देता हूँ मैं हो जगह में। और दुकालू यादव भैया गाया है वो गीत मोला अभी फिलहाल याद नहीं आते। आप नाचा के मंच ले जुड़े हो और निरंतर मंची प्रस्तुति देवा था। हाँ तो नाचा मा एक और आकर्षण होते जनानी के। हाँ जिन मूड मा लोटा बोई के आते और छत्तीसगढ़ के जिन मर्यादा है। हाँ जिन छत्तीसगढ़ के पहचान है मुड़ी ढाक के आते मन। हाँ और ये छत्तीसगढ़ के बड़का पहचान है कि यहाँ के जिन छोटे बहुरिया रहते वो अपन पूरा ससुर के सम्मान कर। हाँ। मुड़ी ढाक के रिंगते गली खोर में। हाँ। वो दृश्य हमारा नाचा के मंच में देखे में मिलते जनानी के माध्यम ले। हाँ। तका आपला कभू जनानी के रोल करे के मौका मिली नाचा के मंच में। मोला तो अभी तक के जनानी के रोल करे के मौका नहीं मिले है। और मैं हाँ पहले डांसर करत रहूँ, बस डांसर के बाद में फिर रोल दिस मोला हीरोइन के रोल करबे नायिका के रोल करबे ऐसे करके। तो वही तक के हूँ अभी, जनानी के रोल नहीं मिले हम। जनानी के आप ऐसे रोल नहीं करे हो का आपला जनानी जे नजरिया मंच में प्रस्तुति देते वो गीत आप लाते। वो गीत तो आते लेकिन काहे सब जना अलग अलग ऐसे गाते वो सब गीत ला। तो अभी हमर जगह में जाथन तिहा हमर जनानी जो है वो गीत प्रस्तुत करते कि वो भारत के सुना रही के पिंजड़वा ऐसे टाइप से गाना प्रस्तुति करते। जैसे कि वो गाते थे तो मोला नहीं आए, मतलब मैं मेकअप खोली में रह रहा था ना, तो पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज करना रहते तो उकर जो गीत है ओला में हाँ पूरा तरीका से नहीं पकड़े हूँ। तो भले आपके संस्था में गीत नहीं चला थे लेकिन हाँ। जिन नाचा के प्रस्तुति मतलब देखे मिलते हाँ। वो कोई भी नजरिया गीत मतलब हाँ। सुना नहीं जाते हो तैसे लगा था बेदाई, वो नहीं जाते हो तैसे लगा था बेदीदी, वो नहीं जाते हो तैसे लगा था बिना ऐ मोरी धनी भैया के समान, ऐ मोरी जोड़ी भैया के समान, नहीं जाते हो तैसे लगा था बिना। यही गाना ला गाता हूँ मोला कभी कभार, मतलब
यह मैं आ जात हूँ ना तो ही गाना गुनगुनात रहता हूँ। एमा बात करा ना जनानी गीत के, एमा छत्तीसगढ़ के जन नारी के विरह वेदना है हाँ। जिसे सुवा गीत में दिखते वैसे कहीं ना कहीं में हमार नारी जाति मन के विरह वेदना देखे बार मिलते हैं हाँ। आप तो वैसे निरंतर छत्तीसगढ़ के नाचा के मंची प्रस्तुति ले जुड़े हो, एक अलावा का आप छत्तीसगढ़ के कोनो विधा के आने विधा ले आप प्रस्तुति देते हो? आने विधा ले वही जैसे देखे जाते कि प्रमुख रूप से जो नाचा के कलाकार हैं वो छत्तीसगढ़ के गड़वा बाजा ले घलो जुड़े रहते हाँ। चलात हूँ ना मैं हाँ, बाजा पार्टी चलात हूँ और साथ साथ में मैं हाँ, रामायण पार्टी भी चलात हूँ। रामायण पार्टी के साथ में तबला वादन करता हूँ मैं, रामायण में तबला वादन करता हूँ और गायन भी करता हूँ। और बिहाव बाजा जैसे गढ़वा बाजा कहे जाते तो बाजा ला मैं हाँ करीबन 15-17 साल से चलात हूँ बाजा पार्टी। ये गजब सुग्घर बात है कि आप नाचा के मन से जुड़े के साथ साथ आप रामायण और हमारे जिन छत्तीसगढ़ के गढ़वा बाजा है ओकरो संग आप मन सरलग जुड़े हों। गुड बात ले हम थोकर विराम देते हैं और एक आपसे गीत सुनते हैं ओकर बाद सरलग हम हाँ गुड बात लागू बढ़ाते हैं। तो आपके नाचा के प्रस्तुति ले जुड़े ऐसे और कोनो गीत जिन ला आप हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहो? हाँ, आई बिना संगवारी के हो, बिना संगवारी के लागे मोल डरे कैसे पहाही ये बाले उमरिया, कैसे पहाही ये बाले उमरिया। आई बिना संगवारी के हो, बिना संगवारी के लागे मोल डरिया कैसे पहाही ये बाले उमरिया, कैसे पहाही ये बाले उमरिया। रतिहा के बिजली चमके करिया करिया बदिरा, रतिहा के बिजली चमके करिया करिया बदिरा, बिना संगवारी के मोला लागे बड़ डरिया, बिना संगवारी के मोला लागे बड़ डरिया। बहुत सुघर आपके जिन मधुर आवाज हैं वो ऐसे लगत रही कि हम सरलक सुनते रहन, फिर समय के हमारे अभाव है थोड़ी थोड़ी सब चीज ला मन एक कार्यक्रम में इंटरव्यू के कड़ी में लेके आबू। आप मन माई लोगन के अभिनय ला मंच में करते हो तो एक पुरुष ब कतका कठिन होते माई लोगन के आवाज ला अपन कंठ में सहेजना और दर्शक मन तक प्रस्तुति देना? बहुत तो तकलीफ के बात है हा, बहुत तकलीफ होते अपन आप में भी बहुत तकलीफ होते। कई बार ऐसे लगते है कि करत हो कोई बोल देते बीच में तो तैयारी तो करते छो और कहे दर्शक मन है तको जितना जल्दी हो जाए जितना जल्दी हो जाए। जैसे कि हमारे सिंगार सा जाए बार अपन बैठन ना तो कम से कम एक घंटा करीब लग जाते, तो कई जगह ऐसे हो जाते खाना वाना में लेट कर देते तो हमारे सिंगार करे बार आधा घंटा में भी तैयार हो जाते, लेकिन उमा आधा घंटा हमन तैयार होता ना तो पूरा तरीका से हमन तैयार नहीं हो पाए रहन। तो हमन ला शायर एकदम मस्त तैयार होना एकदम जैसे भी देखना चाहते दर्शक वैसे टाइप से जैसे हमला तैयार होना रहते, तो ओमा हमन हाँ एक घंटा समय रहता तो ओमा हमारा बहुत तकलीफ होत रहते उतना समय। कहीं बैठे तो मच्छर चावत रही, खुला बदन बैठना रहते मेकअप करे समय में श्रृंगार करे समय में तो हमारा बहुत तकलीफ होते। ऊपर से जनता मन के पब्लिक मन के पूरा काय काँव 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 कि जल्दी करो जल्दी चालू करो ऐसे टाइप देखे उत्सुकता। हाँ तो मैं काहे कई जन देखे उत्सुकता बोलते और कई आदमी ऐसे है जिन हाँ टेचरा मारते कि जल्दी करो इतना जल्दी होना चाहिए चालू, 9 बज गए इतना देर में चालू हो जाना चाहिए ऐसे टाइप से जब बोलते ना उतना समय हमला बहुत बेकार लगते। कलाकार मन के भी पीड़ा ला समझना चाहिए। हाँ वो मतलब पीड़ा ला समझना चाहिए का होते। जैसे कि हमला लड़का हन तो हमला लड़की बने में बाल बांधना है, हमार मन कर तो बाल छोटे छोटे है
तो लंबा बाल बनाना है, सिंगार करना है पूरा, तो हमन ला बहुत तकलीफ होते है और जनता मन जब चिल्लात रहते इतना देर, फिर भी से हम ना कैसनो करके चलो जल्दी करना है जल्दी करना है, ऐसे करके तकलीफ ला झेलते हुए में हमन हाँ ये अपन कार्यक्रम ला दिखाना छे। अब आहन इतना दूर से ये गांव में आहन वो गांव में आहन, तो कार्यक्रम दिखाए बर आहन भाई हमन हाँ ऐसे करके हमन समझाथन, तो कतनो आदमी समझते हो कोई शराब वराब पिए रहते हमन हाँ तो एकदम से बवाल खड़ा तक कर देते कितनो जगह में, तो बहुत तकलीफ झेलना पड़ते है हमारे कार्यक्रम जैसे जाथन। तो कहे जाए कि नाचा के मंच ले जिन जुड़े कलाकार हैं उमन ला बड़का कठिनाई ले जुड़ के अपन प्रस्तुति हाँ देल पड़ते हैं। हाँ आप नाचा के मंच ले जुड़े हैं और निरंतर गांव गांव में मंची प्रस्तुति देवत आत हो तीज त्यौहार मड़ी मेला हाँ, ता आपके कलाकारी यात्रा के ऐसे कोनो यादगार पल जिन आप ला याद करके बड़ा खुशी होत हो ही। हाँ वो तो खुशी होते लेकिन कई बार सोच वो तो तकलीफ भी होते है, कई ठन बात है और कई ठन बात में बहुत खुशी मिलते। जैसे कि हम एक ठन गांव गए रहन बलौदा बाजार से आगे सरफुंगा गांव, तो हम वो गांव गए हन सरफुंगा गांव गए हन, तो हम लोग गांव ला के नामे ले लिया है, तो सब वही चीज ला हमने जब याद कर थन ला तो हम सरफुक्कन गाँव ऐसे कहा गाँव ला। मंच में भी हमने कई बार बोलना पड़ जाते कौन गांव आहन कैसे ऐसे ही है, तो सरफुंगा करके वो गांव के नाम हमारे याद नहीं आया, रात भर कार्यक्रम के ट्रेन पर सरफुंगा ऐसे एक ना कह चल रही याद रही से, तो वो सब बात ला हमने कभी कभी याद करते ना मिलथन संगत में, तो कभी कभी याद करथन ला तो बहुत खुशी होते। और कई जगह ऐसे रहते कि जहाँ वही बताए हो अभी कि मधा शराब पिए आदमी मन सब संघर्ष जाते तो बाद भी बात कर देते, तो वही सब बात मतलब सोचता तो तकलीफ भी होते। आप एक कार्यक्रम के माध्यम से आपके कलाकार संगी मल्ला का कहना चाहते हो? का मैं हाँ कलाकार संगवारी मल्ला यही कहना चाहता हूँ कि हमर जो ये छत्तीसगढ़ी नाचा के विधा है ओला अच्छा से आगे बढ़ाए की कोशिश में रहा है सबो जन हा, और जैसे कि गलत नजरिए से देखते है जनता मन हा कुछ कुछ, तेकर से हमर जो नया पीढ़ी के लड़का मन हवे के आगे बढ़बो इसी के सोचते, तो वही सब बात ला सुनते जैसे कि गलत नजरिए से देखते, तो ओकर वजह से नया जो कलाकार उभरना चाहत रहते ओमन पीछू घुस देते, तो एला आम जनता तक पहुँचाए बर यूट्यूब के माध्यम से या कोई भी माध्यम से प्रेरित करे सब चीज ला जनता ला बताए जनता तक पहुँचा सके, तो एमा से हमर जो छत्तीसगढ़ी विधा के नाचा के जो कलाकार है परी के परी डांसर के ये सब आगे बढ़ते रहा है, तो ये कहना चाहूँ कि वो जो गलत नज़रिए से देखते तेला शासन से या आम जनता से जैसे भी बन पड़े वो बात जो बोलते कुछ भी अपशब्द वगैरह करते वो सब के कुछ न कुछ प्रशासन द्वारा या जनता द्वारा जैसे भी हो सके उन्हें नियंत्रण लगे और ताकि नवा कलाकार के कलाकारी से जुड़ सके। मैं ही कहना चाहता आप नाचक के मंच ले तो जुड़े हो कलाकारी करते छो संगे संग आप अपन जीविका चलाए बर और काय बूता करतो, और अभी जिन कोरोना काल में खासकर कलाकार मन ला समस्या झेले बर पड़ीस काबर की ओकर जीविका के मुख्य साधन कलाकारी हरे, तो आप लोग कतका समस्या हुई सभी कोरोना काल में? कोरोना काल में तो बहुत सारा समस्या हुई से, और अपन पेड़ चलाए बर तो मैं हाँ कपड़ा बुनाई के काम करता हूँ, मोर घर में मशीन लगे है हाथ कर घर जो सरकार हाँ काटन कपड़ा है जो सूती खादी कपड़ा है ओकर में हाँ बुनाई करता हूँ, तो वही से वही काम ला करता हूँ मैं हाँ घर में। तो अभी कोरोना काल में आपला कार्यक्रम काबर मंची प्रस्तुति बंद रही से हाँ हाँ, तो समस्या नहीं हुई आपला? समस्या तो अब क्या है मंच के माध्यम से तो मोर जीविका जैसे भी चलते चलते मोर घर में और काम हावे ओला में हाँ छोड़ गया था, तो मोला वहाँ कुछ तकलीफ तो हुई से जैसे कि यह काम ला मोर जो कपड़ा बुनाए काम करता हूँ वह काम बंद हो गई रही से, दोनों तरफ से बंद हो गई रही काम हाँ, वो नाच के रही से वह बंद हो गई रही से नाच डांग आवक नहीं रही से, तो बहुत समस्या के समाधान
करे बर एती होती करके खर्चा वर्चा चलाए बर बहुत तकलीफ होत रही। आप नाचा के मंच ले जुड़े हैं तक आप नाचा में केवल अभिनय करते हो कि कोनो आउ वादन है जिसे आप तबला वादन करते हो करके बताए हो तो नाचा के मंच में भी सहयोग करते हो? हाँ वो तो नाचा के मंच में जैसे कि मोर किरदार हा बीच बीच में रुक जाते तो कोई समय कोतवाल के पाठ आ गए है तो कोई समय सरपंच के पाठ आ गए है ऐसे सब चलते तो वो समय में क्या है मैं खाली हो जाता हूँ तो तबला वाला कहीं जाना है तो तबला में जाके तबला बजाए पर बैठ जाता हूँ तबला वाला की हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि नाल बजाने वाला है नाल बजाने वाला ला उठना है थोड़ा देर के लिए यती उती टहलना है या बैठे बैठे हाथ पैर चुंगुर जाते तो ओकरो साथ देवर में हाँ बजाए पर बैठ जाता हूँ। जहाँ तक मैं आपके बात कर रहा हूँ आपके पढ़ाई के तो कहाँ तक हुए आपकी पढ़ाई? मैं हाँ आठवीं तक के पढ़े हूँ। वो समय में दूसरा गांव में मुला पढ़े पर जाए के रहा है तो मैं हाँ आठवीं पढ़ाते साइकिल तक नहीं चलाते रहा तो जाए आए में तकलीफ हो तो आठवीं तक के पढ़े के बाद में ना मैं पढ़ाई बंद कर दें और मोर यहाँ बुआ यहाँ मुला ले गई जैसे कि दुकान चला ही ऐसे करके तो मैं हाँ करीबन 7-8 साल तक के मैं हाँ अपन बुआ यहाँ रहत रहे पढ़ाई ला वही दरमियान में मोर पढ़ाई तक छूट गए। जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी कलाकारी के तो कतका बच्चर की उम्र ले आप कलाकारी ले जुड़े हो और का आपके कलाकारी क्षेत्र में आपके घर परिवार वाले मन हाँ कतका सहयोग करी से या फिर कभू विरोध करी से क्षेत्र में आए? हाँ ननपन से मैं हाँ तीसरी पढ़े के जात रही हूँ तब से मैं हाँ कलाकारी क्षेत्र में जुड़े हूँ। सबले पहले कलाकारी क्षेत्र में आए बार मोर दादाजी मोड़ा साथ दे रही से वो समय में जब मैं छोटे रहूँ ना तो मेला से ढोलक लेके लाए रही से तो वही ढोलक के माध्यम से मैं कुछ कुछ तीसरी के पढ़े की उम्र में मैं हाँ बजाए के चालू कर रही हूँ। वो समय में ज़्यादा तो नहीं याद रही से वही सेवा गाना वगैरह गाए मोर यहाँ दादा तब ओकरेशन में बजाए बर क्षेत्र में आगे बढ़ाई से मतलब मोला मोर दादाजी है ढोल लेके लाने रही से तो उसके बाद में फिर मोला घर से तो कोई रोक टोक नहीं हुई से मतलब फुल सहयोग मिले मोल घर से कहीं जाऊँ कहीं आऊँ तो बता के जाऊँ तो मत जाए इसे वाला नहीं रहा मैं फलाना सन जात हूँ ऐसे करके बताते हूँ ना तो मोला मत जा करके कोई नहीं बोला तरी से बाबू मामन हाँ तको मत जाए यहाँ कहाँ जावे कैसे करवे इसे टाइप से बात नहीं आ तरी से तो एमा मोला मोर एक जन पेटी मास्टर है हमारे गाँव से डॉक्टर भोजराज पटेल वह गायन करते और पेटी भी बजाते रामायण में टीका करते तो ओकरे माध्यम से मैं हाँ कलाकारी क्षेत्र में सबले पहले घुसे हूँ मैं। हाँ सबले पहले तो मोर दादाजी मोर सहयोग करीस कि बाजा ला के दिस तो मैं थोड़ा बहुत बजाए व नहीं करो तो फिर वो डॉक्टर साहब जो है ना मोला कलाकारी क्षेत्र में तबला बजाए सिखाए बर वही मोला सहयोग करी से वो समय में छोड़े रहा हूँ दादा मानता हूँ मोला तो कोई जगह मोर से मिस्टेक हो जाए गड़बड़ी हो जाए बजात बजात तो बैठे रहे बाजू में तब राहल चेथिल मार देतीस ऐसने बजा भी जगह भुला गए के तो बजाए बर भी आए तो बीच बीच में मोला बता जाती कि जगह बजा बताती कि ऐसे बजा भी ऐसे होगी ऐसे ही मोला बजा बजा के बजा बता दी तो वही माध्यम से मैं हाँ अपन कलाकारी क्षेत्र में घुसे हूँ। फिर मोर मामा जी है चंदेनी पार्टी चलात रही से आज के डेट में तो बंद हो गए 3-4 साल पहले से तो मोर मामा जी मोला प्रेरित करी कि भाजा ते हाँ लड़की बनते डांसर के काम करते तो अच्छा दिखस ते हाँ ऐसे टाइप से मामा जी बोली तो वही सन में तहने मुड़ा तो गाय बर नहीं आएगा बजाए भर जानत हूँ गाना वाना गाय बर थोड़ा बहुत जानत रहे हूँ तते गाथा भी भाषा तो ऐसे हुई वैसे हुई ऐसे ही के मोर सन जाबिर में तोला पूरा चंदनी के किस्सा सीखो दूँ तोला ऐसे ही के तो हाँ मन हाँ वहाँ मामा जी मोड़ा बहुत दिन ने तुतारी मारा त्रीस कह जाए कि मोर सन जाबे भाषा मोर सन हाँ इस क्षेत्र में जुड़बे ऐसे के तो मामा जी सन में हाँ बहुत दिन ने चंदनी में गए हूँ तो माँ मोला घर से कोई विरोध ही नहीं रही से कि मतलब जहाँ जाना रही से आपला शुरू से कलाकारी का माहौल मिले सर। हाँ शुरू से मोला माहौल मिले वो समय में जब हम चंदनी नाचे जान तब 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक साइकिल चला जान हूँ
काबर के ओतेक विकास नहीं होइस ओतेक रास्ता नहीं बने हां तो हमन हां साइकिल में जान त लगातार वो समय में जब चंदनी कार्यक्रम चले वो वक्त हमन 500 400 रुपए में चंदनी नाचत रहे हां शुरू करें त 500 400 में तब ये गांव लो गांव ये गांव लो गांव साइकिल साइकिल राउंड मारन जैसे कि हमन हफ्ता बीत जाए 15 दिन बीत जाए वही तरीका से धीरे धीरे फिर एक क्षेत्र में पहुंचे एक कलाकार बा कतका मुश्किल होते काबर के मन रात्रि जागरण करना है संगे संग अभिनय भी करना है तो कैसे ढंग के ला मैनेज कर पाते अब मैनेज के है मैं अब कह जाए कि हम रात भर जागथन तो शुरू रात जैसे हम एक दिन के कार्यक्रम देना रहते तो एक दिन के कार्यक्रम ला देथन ना तो बिहान दिन अब काम तो नहीं कर सकन आथन था सो जथन और जैसे कि लगातार कार्यक्रम रहते ना तो नींद तक नहीं आए जैसे 8 दिन 10 दिन के लगातार कार्यक्रम में चलना है ना एक गांव लो गांव वो गांव लो गांव तो नींद भग जाते हमारे मन क्योंकि दिन में भी नींद नहीं आए ना रात में नींद नहीं आए लगातार हम ना वही कार्यक्रम के हमें यदि करा ऐसे कर वो तो यदि करा ला जैसे हम कार्यक्रम के बात करत करत कि ये जगह यदि में कोनो दिन खुदन खासियत होती बिगाड़ हो जाते बिगड़ जाते कोई जगह बिगड़ जाते कोई दिन तो ये जगह से बिगड़ गए तो ये जगह मन ऐसे करबो का तो यदि कोनो गाना ले दे कर चेंज करबो का तो हम इसने आते जा सब बात करत 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 आते जाते तो हमारे मन के नींद उड़ा जाते कहीं ना कहीं ये आप मन के कलाकारी के प्रति समर्पण है और कलाकारी से लगाव है कि वो सब चीज आप मन कर पाते हो आप ला हमारे कार्यक्रम में हमारे भाग का हमारा कलाकार ये कार्यक्रम में आके आप ला कैसे लगे सर हमारे संगोड़ बात करते बहुत बढ़िया लगी से भैया अपन अच्छा से हम पूछा थो और जो भी हमारा जानकारी अब हमारे ऊपर जैसे बीतत गई से जैसे जैसे करे हम सब ला आप लोग बता दिए हन तो बहुत अच्छा लगा था गजब सुग्घर लगी समर जम्मू टीम ला आपसन मिल के आपके कलाकारी जीवन के बारे में बात करके और आप हमारे बार समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में आए एक बार आप लोग भी धन्यवाद हमारे जम्मू टीम के तरफ ले जावत जावत चंद्रहास देवांगन जी हमार दर्शक संगी मन है एक और गीत सुनना चाहिए था कोई से गीत जो आप ला प्रिय हो ही नाचा के मंची प्रस्तुति ले जुड़े वो गीत ला हमार दर्शक मन सुनाते हो दर्शक मन ला अच्छा मैं एक थोड़ा कवाली गीत है जेल्ला मैं हाँ बीच बीच में गात रहता हूँ वही गीत ला सुना देता हूँ जी बिल्कुल शाम ढलने लगे चांद निकलने लगा शाम ढलने लगे चांद निकलने लगा आजा आजा हो आजा आजा हाय आजा आजा सनम दिल मचलने लगा आजा आजा सनम दिल मचलने लगा शाम ढलने लगे चांद निकलने लगा शाम ढलने लगे चांद निकलने लगा आजा आजा हाय आजा आजा हाय आजा आजा सनम दिल में चलने लगा आजा आजा सनम दिल में चलने लगा शाम से बेकरार बैठी हूँ करके सोला सिंगार बैठी हूँ शाम से बेकरार बैठी हूँ करके सोला सिंगार बैठी हूँ मस्ती आँखों में मस्तियाँ लेकर सीख नजरों की सुर्खियाँ लेकर मस्ती आँखों में मस्तियाँ लेकर सीख नजरों की सुर्खियाँ लेकर चांद ढलने लगे दिल निकलने लगा चांद ढलने लगे दिल निकलने लगा आजा आजा हाँ आजा आजा सनम दिल मचलने लगा आजा आजा सनम दिल मचलने लगा बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे निवेदन स्वीकार करे और जावत जावत जाति बेरा में एक कवाली गीत ले हमारा दर्शक मला जुड़े एक बार आप ला धन्यवाद तो संगवारी हो ये तिरिस नाचा धरोहर ले जुड़े कलाकार श्री चंद्रहास देवांगन जी जिन मन अपन कलाकारी जीवन ले जुड़े गोड़ बात ला ये इंटरव्यू के माध्यम ले बताइस अवैया अंक मा एक और नवा कलाकार सन आपला भेंट कराए बर जाबो तब तक आप हमारा चैनल संग जुड़े रहो और हमारे चैनल संग जुड़े रहे बर आप हमारे चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ कि आपला हमारे कार्यक्रम कैसे लगा थे और कौन से नवा कलाकार ला
कौन सी विधा के कलाकार सन आप इंटरव्यू हम देखना चाहत हो एला जरूर अपन हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक संग देव विदा। जय जोहर।